हमार वेन स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। नमस्कार, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन सोनू के संगे। रीवा में नगरी चुनाव अवतय पार्टी के आपन आपन दावा शुरू हुई कहावर, जहां सत्ताधारी पार्टी विकास का गति दे के बात करत ही वही नगर सत्ता के सुख न पावे वाली कांग्रेस पार्टी आपन अलग वादा करत लागी। कांग्रेस आपन 18 ठे प्राथमिकता गिनाइन हम, आई अपना पंचन का सुनाई थे कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में का वादा करी हम। नगर की जनसंख्या, नगर का विकास, आम आदमी की जरूरत, नौजवानों की, महिलाओं की और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आवश्यकता है, इन सब को देखते हुए हमारी मैनिफेस्टो कमेटी ने सभी वरिष्ठ लोगों से चर्चा करके संकल्प पत्र को तैयार किया है और इस संकल्प पत्र के माध्यम से हमारा वायदा है रीवा नगर के नागरिकों से, सभी निवासियों से, कि हम वो काम करेंगे यदि हमारी पूरी टीम को आपने समर्थन दिया, विश्वास दिया। पेश करें तब आपके दिमाग में ये आएगा कि भाजपा भी ये दे रही, कांग्रेस भी ये बात कर रही। हम आपको ऐसी बातें बताना चाह रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आप एक चौथे स्तंभ हैं, जागरूक हैं, आपके सामने हम एक ऐसी चीज़ रखना चाह रहे हैं कि हम क्यों भाजपा को हटा के कांग्रेस क्यों होना चाहते हैं। आपको पता होगा स्वतंत्रता के पहले, जब भारत देश स्वतंत्र हुआ था, उसके पहले जब भारत पाकिस्तान एक था, भारत का पहला मान्यता प्राप्त अखबार रीवा में भारतीय किसान यूनियन मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति के सदस्य किसान सुब्रत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करी हमा के आज़ादी के 75 साल के बाद सिमरिया विधानसभा में आबई वाले गांव जोनही के ठकुरान टोला और गांव बहेलिया के रोड का ही नहीं बनिया। किसान सुब्रत जिला प्रशासन और सिमरिया के विधायक से जल्दी रोड का बनवावे की मांग करी हमा। सबका मालूम है कहीं का घर आए। यहाँ गांव बहेलिया में हम हरिजन लोग कम से कम 50-60 घर हैं, यहाँ रहते हैं कम से कम 45 वर्ष से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। हम लोगों को रास्ता आज तक नहीं मिला। अब बरसात में हम लोगों को इतनी परेशानी होती है कि कुछ कहने लायक नहीं है। हम जबकि हम लोग अपनी ज़मीन भी देने को तैयार हैं, रेलवे से लेकर के यहाँ तक हमारे लोगों के हरिजन की ज़मीन है, फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। श्रीमान जी से, विधायक जी से, मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से सबसे निवेदन करता हूं कि हम लोगों को रास्ता देने की कृपा की जाए। निर्वाचन आयोग नियुक्त प्रेक्षक आर गंगारेकर के संगे नगरीय निकाय के मतदान कर्मी और अभ्यर्थिन का मास्टर ट्रेनर पंकज राव गोरखेड़े EVM चलावे के निकाह से जानकारी दी हम। आई अपना पंचन का सुनाई थे एह प्रशिक्षण में STM का कहीं। नगर निगम इलेक्शन 2022 जो महापौर और पार्षद पद के लिए होना है, इसमें मशीनों को तैयार करने का काम चल रहा है। इसमें जो हमारी EVM है, बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट CUBU, इसको तैयार करने का हम लोग काम कर रहे हैं और इसके दौरान हमने सभी अभ्यर्थियों को, प्रत्याशियों को सूचित किया है कि आके इस प्रक्रिया को समझ लें, देख लें। कमिश्निंग के दौरान सारी जो हमारे 45 वार्ड हैं उनकी मशीनों को तैयार किया जाएगा। रीवा जिला के सगरा थाना में आबे वाले लौवा लक्ष्मणपुर गांव में एक ठे वीडियो समूह आबा हवे, जे में सातिर चोर का आधा दर्जन कुछ जने हाथ गोड़ बांध के मारी नमा। घायल होए के बाद वह चोर अपने संजय गांधी में भर्ती के बाद 4 तारीख का रिपोर्ट लिखवाई नमा। यह घटना 28 जून का रंजीत पटेल के संगे भय रही। रीवा जिला के दूसरे चरण के चुनाव में गंगेव तहसील के ग्राम पंचायत सूरा में चुनाव भरा, जे मां सूरा सरपंच पद खातिर प्रत्याशी दीप्ति द्विवेदी और प्रतिद्वंदी विधानसभा अध्यक्ष सचिव अवधेश तिवारी के पत्नी कृष्णावती तिवारी मैदान में रही। प्रत्याशी दीप्ति द्विवेदी आरोप लगाइन के वोट शुरू हो से लेके गिनती तक अवधेश तिवारी पीठासीन अधिकारी के ऊपर दबाव बनाए के पुनर्गणना कराए के उनका हराय दीन हम। कि चुनाव में हम लोग के यहाँ पे गंगेव में घपला हुआ है, जिसके कारण हमारी यहाँ पे समस्या लेके आई गई है और हम यहाँ पे कलेक्टर सर से सहयोग चाहते हैं, जिसमें कि वो हमारे सहयोग करें।
किस तरह की? क्या हुआ वहाँ, घटना क्या हुई आपके? सर यहाँ पे गड़बड़ी ये हुई थी कि रिकाउंटिंग ज़्यादा हो गई है, जबकि उनको ये अधिकार नहीं दिया गया है रिकाउंटिंग करने का। तो हम ये हमारे कहने पर उन्होंने नहीं सुना ये बात कि रिकाउंटिंग फिर से कराई जाए। जिस रूम में मेरी ज़्यादा मतगणना की गई थी वहाँ पर उन्होंने रिकाउंटिंग ज़्यादा कराई है, और जो भी गणना की गई थी उसका सही तरह से हम लोग का रिपोर्ट नहीं दिया गया था, उसके कारण हम लोग को प्रॉब्लम हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि ये सही तरह से हम लोग की जानकारी दें और हम लोग को सही रास्ता दिखाएं कि हमें क्या करना। टोकन बांट रहे थे वो सिर्फ अभ्येश तिवारी के कैंडिडेट को दिए कि आप लाइन में जो लोग, बिल्कुल पीठासीन अधिकारी को टोकन बांटना चाहिए, जो लोग लाइन में लगे थे उनको टोकन बांटना चाहिए, लेकिन जो टोकन बटा वो वीडियो जो आपके पास जारी हुआ है वो भीड़ के बीच में बैठ के टोकन बांटा जा रहा था, जो लोग लाइन में लगे थे उनको टोकन नहीं बांटा जा रहा था, जो लोग पीठासीन अधिकारी को घेर के खड़े थे उनको टोकन बांटा जा रहा था। और उस वीडियो में ये भी साफ देखा जा सकता है कि किसी एक व्यक्ति को एक साथ टोकन दिए गए हैं, उस वीडियो में ये साफ है। मैं आपके माध्यम से और आपके सवाल का सम्मान करते हुए ये बताना चाहता हूँ, मुझे भी जानकारी है कि टोकन पीठासीन अधिकारी ही बांट सकता है, लेकिन वो लाइन में लगे हुए इंसान को बांटता है, और स्वयं मौले प्रसाद द्विवेदी जी शिक्षक रह चुके हैं, उन्होंने निर्वाचन में ड्यूटी की है, और इनका कहना ये है कि जो उस पंक्ति में अंतिम व्यक्ति होता है उस अंतिम व्यक्ति को पहला टोकन दिया जाता है, और जो व्यक्ति सबसे आगे होता है उसको आखिरी टोकन दिया जाता है, जैसे चुनाव निष्पक्षतापूर्ण हो सके। लेकिन इस चुनाव में भीड़ के बीच में बैठ के और टोकन बांटा गया, जो आदमी हाथ बढ़ा दे उसको टोकन दे दिया गया, और टोकन बांटने का समय 3:45 का था, जो कि पीठासीन अधिकारी स्वयं इस चीज को कबूल कर रहे हैं। और उस वीडियो में यह भी दिख रहा है कि पीठासीन अधिकारी से 20-20 30-30 टोकन एक साथ लेने के बाद वो आदमी अपने हाथ से टोकन बांट रहा है, वो गलत है। और कोई सवाल आपके? नाम है आपका? अनंत शास्त्री। आज खातिर इतना, बघेली में बिंदी के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के संगे। नमस्कार।